नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए पूरे मन से लगना चाहिए और पूरी लगन के साथ जब कोई काम को किया जाता है तो बहुत ही अच्छा होता है। और लेकिन उस काम को करने में जब अपनों का सहयोग होता है तभी चीज़ें अच्छी होती हैं। अगर मन लगाकर भी काम करने की कोशिश कर रहा हूँ और उसमें अगर अपनों का सहयोग नहीं है तो कहीं ना कहीं उस काम में सफलता मिलने में बहुत ही प्रॉब्लम आती है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें को सामना करना पड़ता है। ऐसा ही कुछ इस वक्त कांग्रेस पार्टी के साथ हो रहा है। दरअसल ये जो कांग्रेस पार्टी है, पिछले 2-3 दिनों में अगर देखें तो इसको एक से बढ़कर एक झटके लगे हुए हैं। ऐसा समझ लीजिए कि कांग्रेस पार्टी की जो भी बातों को सामने रखी जाती हैं वो उसके प्रवक्ता रखते हैं। तो जो स्पोक्स पर्सन है प्रोफेसर गौरव बल्लभ, इन्होंने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। और ये ज़रूरी है अब ये देखना कि ये अब किसी और पार्टी में जाते हैं या नहीं जाते हैं। अभी इन्होंने इस्तीफ़ा जो दिया है उसका रीज़न इन्होंने ये बताया है कि ये पार्टी में रहकर सनातन विरोधी बातें नहीं कह सकते हैं और सुबह और शाम ये पार्टी के लिए तो बोल सकते हैं लेकिन किसी और चीज़ों के बारे में गलत नहीं कह सकते, जैसे कि उद्योगपतियों के बारे में या किसी गलत मुद्दे के बारे में ये नहीं बोल सकते हैं। ऐसा इन्होंने बोलते हुए एक पत्र लिखा और उस पत्र को कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भेज दिया है। ये तो रही इनकी पार्टी छोड़ने की वजह। ऐसा ही एक दूसरे नेता हैं जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बॉक्सर विजेंद्र सिंह बेसिकली हरियाणा से आते हैं। इन्होंने कांग्रेस पार्टी इसलिए छोड़ दी, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी वैसी नहीं है जैसी इन्होंने ज्वाइन करते समय देखा था, अब वो बदल चुकी है और इनको लग रहा है कि भाजपा पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है हर एक मुद्दे पे। तो इन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है और इन्होंने जय श्री राम के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने की शुरुआत कर दी है। पहले दोस्तों ये सोचा जा रहा था कि विजेंद्र सिंह कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव लड़ेंगे और वो मथुरा से लड़ेंगे, जहां से भाजपा की प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हेमा मालिनी जी मथुरा से चुनाव लड़ने के लिए जा रही हैं, वहां से विजेंद्र सिंह चुनाव लड़ेंगे। लेकिन दोस्तों अब तो विजेंद्र सिंह जी ने पार्टी की सदस्यता से ही इस्तीफा दे दिया है, भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन भी कर लिया है। तो अब ये समझ लीजिए कि कांग्रेस के लिए कितना बड़ा नुकसान है। ऐसे ही तीसरी एक और खबर है, एक कांग्रेस के बहुत ही बड़े लीडर हैं, नेता हैं संजय निरुपम, जो महाराष्ट्र से आते हैं। दरअसल इन्होंने पार्टी से इस्तीफा तो नहीं दिया है लेकिन इनको पार्टी ने निकाल दिया है और पार्टी ने निकाला भी है। तो इनका कल एक ट्वीट आया था, उसमें इन्होंने लिखा था संजय निरुपम जी ने कि पार्टी को अपनी स्टेशनरी पर खर्चा नहीं करना चाहिए, मेरे लिए पार्टी को इस पैसे को बचा कर रखना चाहिए और चुनाव में उपयोग करना चाहिए उस पैसे का। और साथ ही एक बात और भी कही थी कि वैसे भी अभी कांग्रेस पार्टी के पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे हैं नहीं, इसलिए पैसे की बर्बादी नहीं करनी चाहिए कि मेरे ऊपर कुछ स्टेशनरी के लिए खर्चा भी करा जाए। तो दोस्तों ये सब कहने के बाद कांग्रेस पार्टी ने इनके ऊपर एक्शन लिया और इनको पार्टी से निकाल दिया है। निकाल दिया का मतलब 6 सालों के लिए निकाला है, लेकिन 6 साल क्या होता है, कांग्रेस पार्टी ने अब निकाल ही दिया, अब ये वापस जाएंगे नहीं जाएंगे तो भविष्य में पता लगेगा। लेकिन अभी इन्होंने किसी और पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है, देखना ये होगा कि अब ये पार्टी किस पार्टी को ज्वाइन करते हैं या नहीं करते, अब जैसा इनका राजनीतिक भविष्य होगा वो पता लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं से ये कांग्रेस के लिए तो अच्छी बात नहीं है क्योंकि अब पूरा देश चुनाव मोड पर आ चुका है, चुनाव की तारीखें लोगों को पता हैं, नॉमिनेशन होने स्टार्ट हो चुके हैं। अब ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं कि किसी भी पार्टी से लोग जाएं और दूसरे के खेमे को पकड़ लें, क्योंकि अब तो चुनाव है। कांग्रेस पार्टी की अभी भी हालत वैसी बहुत अच्छी लग नहीं रही है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लिए उनका मेन चेहरा है राहुल गांधी। राहुल गांधी जी अमेठी से, अभी तो उनका कोई उम्मीदवारी का नामो निशान नहीं है कि वो लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने वायनाड से ज़रूर अपना नामांकन कल भर दिया है। तो वायनाड से वो चुनाव लड़ रहे हैं ये तो बिल्कुल श्योर है, अमेठी का कुछ पता नहीं। ऐसे ही आप देखिए तो रायबरेली से भी अब सोनिया गांधी जी को तो चुनाव लड़ना नहीं है क्योंकि वो राज्यसभा सांसद हैं और वो राजस्थान से राज्यसभा का उन्होंने सफ़र तय कर लिया है। तो देखा जाए तो अभी कोई भी गांधी परिवार से कोई चेहरा उत्तर प्रदेश में दिख नहीं रहा है। तो कांग्रेस किस हिसाब से चुनाव में जाना चाहती है और लड़ना चाहती है
वो पता नहीं, वो तो अब समझ में आएगा 4 जून को जब चुनाव के नतीजे आ जाएंगे कि एक्चुअल में हुआ क्या है। दोस्तों मैं आपके लिए ऐसे ही सारी डेवलपमेंट लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।